महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को 3 मार्च तक ईडी के रिमांड पर भेजा गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया था। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद उद्धव ठाकरे के आवास पर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की बैठक हुई। बैठक में सीएम उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अजीत पवार समेत सभी बड़े मंत्री मौजूद रहे। आज इस मामले में महाघाड़ी गठबंधन प्रदर्शन भी करने वाली है। आज नवाब मलिक के खिलाफ बीजेपी भी प्रदर्शन करने वाली है। नवाब मलिक पर दाऊद कनेक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। दाऊद जैसे देश के दुश्मन को मदद जिनके माध्यम से हुई, उनको बचाने के लिए और उनका मंत्री पद बचाने के लिए पूरी सरकार उनके पीछे खड़ी है। मुझे लगता है कि इसका देश को जवाब इस सरकार को देना पड़ेगा। महाराष्ट्र के इतिहास में आज काला दिन है। 93 के मुंबई बॉम्ब स्फोट में जिनका सहभाग था, ऐसे लोगों के साथ महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक के आर्थिक संबंध मनी लॉन्ड्रिंग ये ईडी ने स्पष्ट किए, उनको गिरफ्तार किया। कोर्ट ने उनको 3 मार्च तक रिमांड दिया। महाराष्ट्र के सभी बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता और नागरिकों को मैं आह्वान करता हूँ कि जहाँ जहाँ हो सके सब जगह हम प्रदर्शन करेंगे।